भाइयों एवं बहनों, देवियों, सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नेश फ्रेश एम फ्रेश ब्लॉग पे। फिलहाल हम लोग कल नाइट में ही आ चुके थे मुछनार पे, अपना वही जंगल वाला घर होम स्टे पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी नींद आई और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी थे, इस वजह से आपने वो जंगल वाला घर नहीं देखा। नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, आई बटन पे जाइए, पुराने जो वीडियोस थे वो देखिए और लाइक करिए। फिलहाल हम लोग आए हैं इस नदी के किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे आ चुके हैं, कपड़े वपड़े ले करके आए हैं नहाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलते हैं अभी, शुभम भाई हमारे नदी के किनारे इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, नहाते हैं और मज़े लेते हैं। नज़ारे देख रहे हैं भाई साहब, मतलब यहाँ जितनी बार भी मैं आऊँ ना, उतनी बार मेरे को अलग अलग फील आता है यहाँ पे। चलें फिर अंदर हम पानी के। डुबकी, भाई साहब नहाना हो गया और लगभग 2 घंटे तक हम यहाँ पर नहाते रहे, काफी मजा आया। और अब मेरा पैर जल रहा है क्योंकि पत्थर जो है ना पूरे गर्म हो चुके हैं, तिप चुके हैं, तो अब पैर जल रहा है। अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है, वापस से होम स्टे पे जाएंगे, आज थोड़ा काम वाम करना है, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको भी, कुछ जगहें दिखाएंगे। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज कहीं बाहर जा नहीं सकते तो आसपास ही घूमेंगे यहाँ पर। और फिलहाल ये हमने बाहर लगाया हुआ है चेयर, यहाँ पे गर्म पानी आ चुका है और मेरे हाथ में कॉफ़ी, अब पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। अद्भुत। इस जगह पर बैठे हुए लगभग हो चुके हैं 1.5 से 2 घंटे और नदी से आए ना तब से यहीं पे ही बैठे हुए हैं, चाय वाय पी लिए, सॉरी कॉफी पी लिए। अभी आ चुका है हमारे लिए यहाँ पे नाश्ता, मामा जी लेकर के आए, और यहाँ पे रखा हुआ है छीन, ये है पानी का बॉटल, ये है पानी, वो है कैमरा, यहाँ बैठेंगे भैया जी, अब वो हैं भैया जी, और यहाँ पे हम खाएंगे समोसे। इस कप को नीचे रखते हैं बड़े प्यार से, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऊपर से हवाएं आप देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा, आम के पेड़, महुआ का पेड़, सल्फी का पेड़, महुआ का पेड़, इमली का पेड़, मतलब भांति भांति प्रकार के पेड़ हैं यहाँ पर। और बस मतलब खाते हैं मामा जी, और ये है उनके साइकिल जिसमें अभी मैं जाऊँगा बारसूर, आते हैं फिर हम बारसूर से घूम के। तो चलाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं डंडी, ये पूरी मेरी बजा देता है, मतलब चढ़ने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई, लेकिन चढ़ गए और काफ़ी ऊंची साइकिल है ये, तो मज़ा तो आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, गिरना नहीं है। भाई साहब कुछ इस तरह के रास्ते आ चुके हैं और मेरे को जो है ना थकान हो चुकी है, मतलब अभी से थकान हो गई। मुछनार बारसूर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बचा है, इसका मतलब मैंने 2 किलोमीटर कर लिया इस साइकिल पर। ठीक है, साइकिल भी चलाना ज़रूरी था क्योंकि समझ रहे हो ना भाई साहब, बड़ी ही उम्मीद से गया था मैं बारसूर तक, बहुत खुशी खुशी गया साइकिल पे, लेकिन साइकिल वहाँ से यहाँ छोड़ के गाड़ी पे आना पड़ा क्योंकि हालत तो मतलब समझ रहे हो। और ये मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि मामा यहाँ पर बना रहे हैं एक छोटा सा मचान जैसा कुछ, तो मैं ये सब समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये जो आइडिया था, मतलब यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ले करके अपने घर पर जो अपना कैबिन रेडी किया यूट्यूब स्पेस, वो यहीं का था। पहली बार में बेइज्जती हो चुकी है मेरी, कोई बात नहीं, नहीं दिखे बात बात इतनी आता है ना, नहीं भैया खा लोगे ना खाना, सफलतापूर्वक हमने उधर उधर भी दिया है। अच्छा इधर भी एक, कहाँ सफलता में मामा पेज दो, देखो मंडिया मंडिया पेज पियोगे मिलावट। बहुत ही सफलतापूर्वक हमने यहाँ से खीले लगा लिए हैं
भैया हमारे सीएमजी जी हमारे प्रातःशी पधार चुके हैं, इनके हाथ में मैं ये कार्य सौंपता हूँ। छुट्टी लेते हैं। ये जो सामान जा रहा है ये टेंट है, टेंट वगैरह जो भी कुछ है, क्योंकि आज होने वाली है भाई साहब नदी के किनारे कैंपिंग। हालांकि गर्मी है लेकिन रात के टाइम पे यहाँ का वेदर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुबह सुबह भी वही माहौल रहता है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं नदी के किनारे, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेंगे और रात के वही बनाएंगे। कुछ इस तरह के नज़ारे जो हैं आप देख सकते हैं इस वक्त। ये जो नाला है जंगलों से बह करके आ रहा है, इंद्रावती नदी वहाँ से राइट साइड से बह के आ रही है और ये हमारा कैंप साइट होने वाला। बहुत ही प्यारा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार सेक्सी सा सनसेट हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यहाँ पे जो है हमारा टेंट है, लगभग ये मेरा वाला टेंट है, वो भैया का है और ये शुभम, और यहाँ पे जो है आग जलने वाली है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज रात। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा और साथ में गुदगुदी गुदगुदी सी भी होने वाली है और बहुत ही शानदार सा वहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है। यहाँ पे एक टाइम लैप्स भी चालू हो चुका है, फिलहाल का ये जो व्लॉग है मोबाइल से है क्योंकि सारे कैमरा जो है बिजी है, तो बस इंतजार है। अभी यहाँ पे खाना वाना भी बनाने का है तो हम तो सोच रहे थे चाय वाय भी इधर ही बना के पीते हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ तो भाई साहब लगभग 9:15 हो चुके हैं रात के और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है नदी के किनारे। कौन है भाई, डराया मत करो यार, पीछे आके डर लग जाता है मेरे को यार। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुगंध आ रहा है, अभी बन रहा है वहाँ पर, क्या बन रहा है भाई, दाल बन रहा है, और अभी दाल बनाने के लिए ना फ्राई कर रहे हैं, प्याज डला है उसमें, अदरक डला है, लहसुन डला है, टमाटर डला है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। और उधर भी एक चूल्हा जल रहा है जिसमें चावल पक रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका दाल, सब्जी बन चुकी है काबुली चने की, ये इस प्रकार का यहाँ पर चूल्हा बनाया गया है, बहुत ही शानदार। हमारे मास्टर शेफ शुभम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय दंतेवाड़ा, जय बस्तर। प्रधान जी कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ सर। अरे कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ सर, बहुत 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 अच्छा था आपने। ये हमारे चिंतामणि जयपुरी जी जो कि तो जब बहुत देरी से यहीं पे बैठा हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ कब खाना बनेगा, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा। और मीठी मीठी खुशबू आ रही है, बहुत भूख लग रही है भाई, चुप हम जल्दी कर। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बन गया अभी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बस सारा कुछ बन चुका है। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से ये संवाददाता महोदय विवेक साहू आपसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमारे प्रेम भाई साहब कुछ कर रहे हैं। ओहो हो, यहाँ पे आग जलाया जा रहा है। आग इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि अभी नदी की जो है ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आग जलाकर यहाँ पे हम ठंडी को भगा के यहाँ पे गर्मी का आनंद लेंगे। बाकी सब बढ़िया है, यहाँ पे हमारा एक कैंप, वहाँ पे दूसरा और वहाँ पे तीसरा कैंप हमारा लग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खाने के समय हम बात करते हैं, धन्यवाद। तो यहाँ पे जल रहा है आग और ये हमारा कैंप रेडी है, इधर भी और एक इधर भी है, सॉरी मैं वीडियो पर नहीं आ पा रहा हूँ, क्षमा चाहेंगे हम आपसे। तो यहाँ पर आग जल रही है और काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो उसमें आग का भी मज़ा अपना होता है। तो यहाँ आ चुका है खाना हमारा और ये है छोले की सब्जी। शुभम भाई, युधिष्ठिर भाई, ठीक है, तो फिलहाल खाना ख़त्म करते हैं, टेंट में चलते हैं, सोते हैं और मेरे ख्याल से आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही और अब खाते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है भाई सब, प्यारा भूख।